चलिए देखिए, तो अब हम बात करते हैं ग्राफ के द्वारा अगर हमको लिखना हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ हमने खींचा है, तो ये हमेशा क्या करेगा बताइए, डिक्रीज करेगा। और यदि हम इसी को किसके लिए खींचे, प्रोडक्ट के लिए, तो ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा और रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक ना। अच्छा, दोनों का यहाँ पर हमने ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। पीछे तो कंसंट्रेशन है, ये क्या है, टाइम, एक एक्सिस पे कंसंट्रेशन, एक पे टाइम। तो ये प्रोडक्ट का देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। और ये जो है हमारा रिएक्टेंट के लिए खींचा गया है, तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, हमने मान लिया कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी बताइए रिएक्टेंट की, तो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना था, C1, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना हो गया, C2। देख रहे हैं आप लोग, C1 की वैल्यू ज़्यादा है, C2 की वैल्यू क्या है, कम। तो यहाँ पे हम R एवरेज लिखेंगे, तो C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी निकल के, निगेटिव। अच्छा, इसी को यदि हम लोग प्रोडक्ट के लिए लिखें, तो T1 पे जो है कंसंट्रेशन कितना है, C1। T2 टाइम पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, C2। तो देखिए C2 की वैल्यू अब तो बड़ी है और C1 की वैल्यू क्या है, छोटी। तो अब R एवरेज जो लिखेंगे वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें जो है किसी एक टाइम पे, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे देखना होता था वेलोसिटी, और एवरेज वाले में एक इंटरवल के लिए देखना होता था। ठीक वैसे ही जो है अब इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे, तो रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी दिए हुए टाइम पे हमको लिखना है इसका रेट। यानी कि यहाँ पे स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो है बहुत कम जो है क्या होगा, कंसंट्रेशन में चेंजिंग है। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो लिमिट टी टेंस टू क्या कर देंगे, जीरो, जो कि आप लोग मैथ में पढ़ते हो, ठीक ना। आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी सी बाई डी टी, बिकॉज द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे भी जो ग्राफ तो सेम बनेगा, रिएक्टेंट के लिए ऐसे बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ, और जो है प्रोडक्ट के लिए कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। और यहाँ पे एक खास बात होती है कि यहाँ पे जब हम इस पे जो है किसी एक गिवन टाइम टी पे, यानी कि किसी भी एक गिवन टाइम टी पे जब हम यहाँ पे इस ग्राफ का खींचते हैं ये टेंजेंट, तो हमको जो है इसका स्लोप मिलता है, और वही स्लोप इसका क्या दे देता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वही चीज़ इसके लिए भी, प्रोडक्ट के लिए, तो देखिए प्रोडक्ट के लिए जो वैल्यू आ रही है, ठीक ना, स्लोप की, वो वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, और रिएक्टेंट के लिए कैसी वैल्यू आ रही है, निगेटिव, ठीक ना। यानी कि स्लोप ऑफ